या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर
पहले जमाने के अंदर इंसान के अंदर जो वहम परस्ती थी उसकी वजह से उसको डर लगता था, खौफ लगता था कि मुझको भलाएं और बदरूहें पकड़ लेंगी। आज बदरूहों का भलाओं का वहम निकलता जाता है, पढ़े लिखे इंसान जो है वो जादू मंत्र के ऊपर एतकाद नहीं रखते। पढ़े हुए इंसान है बहुत सी इंसानी दिमागी कमजोरियों को महसूस नहीं करते। पढ़े लिखे लोगों के अंदर वो वहम परस्ती और सुपरस्टिशियस आइडिया वाली बातें कि कब्रों पे जाके पत्थरों की पूजा वगैरह करनी, ये चीज नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद भी पढ़े लिखे आदमियों में भी ऐसा एक तबका है कि जो इन चीजों को मानता है। मैंने खुद अपनी नजर से इटली के अंदर रोम शहर के अंदर ही वेटिकन है कि जहां क्रिश्चियनों का ईसाइयों का पोप बैठता है, वहां बहुत बड़ा इलाका इन्होंने तकरीबन 6 स्क्वायर माइल का अपनी हुकूमत के तसर्रुफ में रखा हुआ है। और इटली गवर्नमेंट भी ये 6 स्क्वायर माइल जो वेटिकन के हैं उसकी इज्जत करती है। वेटिकन के अंदर पोप की हुकूमत है, इटालियन गवर्नमेंट का कुछ नहीं चलता। 365 दिन लोग उधर आते हैं और उस गिरजे को जो मुख्तलिफ उन लोगों के सेंट्स जो हैं उनके नाम पे बनाए हुए हैं, सेंट पीटर और सेंट पॉल के गिरजे हैं। इटालियन औरतें अपने बच्चों को सुबह के वक्त जब स्कूल छोड़ने जाती हैं तो उसकी दीवार पे हाथ फिरा के अपने बच्चों के मुंह पे फिराती हैं कि इस गिरजे की खाक हमारे बच्चों के मुंह पे लगे। आज भी ये बात मौजूद है। पढ़ी लिखी मुतमदन कौम के अंदर भी ये आदत और हालत है। मैंने उसकी फोटोज भी ली हुई है। आज भी वो लोग अंदर जाते हैं तो वेटिकन की जमीन को बोसा देते हैं, खाक के ऊपर अपना मुंह रख के जमीन को बोसा देते हैं, पोप के पास जाते हैं, इस कदर अदब के साथ जाते हैं कि अगर बरतानिया की मलिका जो पोप को नहीं मानती, क्योंकि बरतानिया की मलिका और उसकी फैमिली का जो मजहब है वो प्रोटेस्टेंट मजहब है और पोप जो है वो कैथोलिक मजहब का बड़ा है, और उधर के कायदे के हिसाब से जो कोई भी बादशाह या मलिका होता है इंग्लैंड में उसको प्रोटेक्टर ऑफ द स्टेट का टाइटल है और वो चर्च का सबसे बड़ा है। आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी की अपॉइंटमेंट भी मलिका मुआजिमा करती है। ये मलिका जब पोप को मिलने आई तो पोप के अदब आदाब के लिहाज से इसको भी सिर के ऊपर एक दुपट्टा ओढ़ना पड़ा, क्योंकि सर नंगा कोई भी औरत या मर्द सिवा के वो मर्द के जो अहदेदार हैं चर्च के अंदर पोप के सामने नहीं जा सकते। ये उनके दर्जात के हिसाब और अदब आदाब के हिसाब के साथ चलता है। फ्रांस के अंदर 2 ऐसी जगह हैं कि जहां दुनिया भर के लोग आते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं, वहां एक चश्मा है उसको लौस का चश्मा कहते हैं। इस चश्मे के ऊपर हमा वक्त सर्दियों में भी ये जब से बर्फ पड़ी होती है हजारों लोग उधर आते हैं, अपने बच्चों को लाते हैं और वहां का पानी पीते हैं, मुंह पे मलते हैं। वो जगह भी मैंने जब देखी तो मुझे बड़ी हैरत हुई। अमेरिका और यूरोप की मुतमदन कौमें जब मशरकी आदमियों से मोहब्बत भरे सलूक के साथ जो अपना मजहब पालते हैं उसका जब मुनाजरा करते हैं, मजाहरा करते हैं, स्टडी करते हैं तो उनको ऐसा होता है कि ये लोग गैर मुतमदन हैं। मैं उनके साथ रह के मिल के उनकी बातें जानता हूं और जब उनके साथ जिक्र करता हूं तो शर्म से उनसे भी सिर झुक जाते हैं। ये इंसानी खामियां और कमजोरियां हर कौम के अंदर मौजूद हैं, हर कौम में। लेकिन इसके पीछे
एक चीज तो सब में यकता है, वो है अकीदत। दो तीन महीने शायद हुए हैं, हिंदुस्तान का सबसे पहला हिंदुस्तानी गवर्नर जनरल, जिसको राजा जी के नाम से कहते हैं, 88 के 90 साल की उम्र में गुजर गया। एक जमाने में मद्रास की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, बहुत पढ़ा लिखा शख्स है, राजगोपालाचारी, उसके साथ कोई दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट या फिलोसोफर जब बात करे तो उसकी इल्मियत के सामने सरखम करता है। मैंने अपनी आंखों से राजगोपालाचारी को देखा है कि पत्थर की मूर्ति के सामने दंडवत करते हुए लेट गया, ऊंधा ऊंधा लेट गया, हाथ इस तरह किए। मैं हैरान थे, इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतनी अजमत वाला आदमी, ऐसा आला सियासी लीडर हिंदुस्तान का, उसका ये हाल है कि पत्थर की एक मूर्ति के सामने दंडवत कर रहा है। ये एहतियात है, उसकी तमाम जाहिरी इल्मियत एक तरफ, मगर उसकी जो रूहानी अकीदत है वो दूसरी चीज है, बिल्कुल दूसरी चीज है। अभी जो वॉलवाइन है आपके पास आया इधर और चला गया हिंदुस्तान में, इससे पहले बर्मा का रहने वाला आदमी था, उम्फान, बहुत वर्षों तक उसने सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाला, सारी दुनिया में मशहूर, बहुत काबिल और पढ़ा लिखा शख्स है। उसकी एक फोटो टाइम के अंदर आई, मैंने काट के अपनी फाइल में रखी है। बर्मा गया अपनी माँ को मिलने के लिए, जब ये गया तो माँ के सामने जमीन पे इसने सजदा किया है, माँ कुर्सी पे बैठी है। उम्फान सेक्रेटरी जनरल तकरीबन 70 बरस की उम्र का आदमी है, जब अपनी माँ के पास गया तो माँ कुर्सी पर बैठी है, खुद इसने जमीन पर सजदा किया है माँ के सामने। ये सजदा भी खुदा का सजदा न था, लेकिन उसकी माँ के लिए उसके दिल में जो अकीदत थी उसका इजहार था। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको हमें खिलौना समझ के छोड़ दे और जब दिल चाहे फिर खिलौना समझ के खेल ले। मजहब एक संजीदा चीज है, और मजहब के साथ अगर से जाहिरी इल्म की जरूरत जरूर है, क्योंकि जाहिरी इल्म इंसान के दिमाग को पॉलिश करता है और इंसान को समझने के अंदर, किताबें पढ़ने के अंदर मदद देता है, लेकिन जाहिरी इल्म मजहब के लिए कोई चाबी नहीं। एक जाहिर में बे इल्म इंसान, यानी वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसको खुदा ताला ने अच्छा दिमाग दिया है, वो अच्छे से आलिमों से बेहतर है, उसके दिल में जब मजहब समा जाता है तो उसको सब तरह के इल्म आ जाते हैं। किताबें पढ़ के इल्म हासिल नहीं होता, इल्म खुदा अंदर से देता है। किताबें पढ़ने से यह बात जरूर बनती है कि दिमाग जो है उसको एक किस्म की तरबियत मिलती है, और वो मजहब में जो इबादत करता है उसको समझने के अंदर बड़ा जल्दबाज होता है, विश्वास हो जाता है। एक दुनिया का बेइल्म आदमी अगर मजहब के अंदर जाए और इसी एहसास और अकीदत के साथ इल्म वाला आदमी अगर मजहब पे अमल करे तो इल्म वाले को बड़ी जल्दी मुनाजिल और दर्जात मिलेंगे, क्योंकि वो उन चीजों को जल्दी से समझ जाता है। मगर जाहिर का इल्म जो है वो जरूरी नहीं कि उसको समझने के लिए मजहब आसान होता है, जरूरी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। इल्म अंदर की चीज है, मैंने एक दफा आपके पास जिक्र किया, मौला अली जहरन इराक में गए, अरबस्तान छोड़ के इराक गए थे, और जो यमन है आज ज्योग्राफी के हिसाब से एक जुदा मुल्क है, मगर उस जमाने के अंदर यमन अरब नहीं था। मौला ने और कहीं जाहरी सफर नहीं किया, लेकिन मौला का जो इल्म था वो रूहानी इल्म था, इल्म लुदुनी था। वो इल्म जो मौला का है उसमें से आबिदों को थोड़ा थोड़ा जुरा मिलता है। अरबी जबान के अंदर जुरा गीन रे आयन है,
जो रहा हम उंगलियां पानी में डाल के निकालो तो उंगलियों से जो टपकता है इसको जुरा कहते हैं, यानी थोड़ा सा। हम अपने जमाखानों के अंदर जो जुड़ा देते हैं ये अरबी लफ्ज है जुरा, ये तो हिंदी लफ्ज नहीं, संस्कृत नहीं, प्राकृत नहीं, देवनागरी नहीं, कुछ नहीं, कच्ची नहीं, काठियावाड़ी नहीं और सिंधी भी नहीं, ये जुरा अरबी लफ्ज है। जुरा यानी थोड़ा सा, थोड़ा सा। और जुरा हमेशा थोड़ा सा होता है, इमाम की तरफ से दो चार बूंदे पानी की भी जुरा है। इमाम के इल्म में से आप इसको थोड़ी सी बख्शिश मिलती है, ये जुरा है। मौला मुर्तजा अली मुश्किल कुशा जी हुजूर में मैं एक मिसाल देते जाऊं ताकि आप समझ जाओ कि इल्म लुदुनी क्या चीज है। किताबें पढ़ने से वो इल्म नहीं आता। मौला की खिलाफत थी, एक 12-13 साल का लड़का मौला के पास आया कि कहिया अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप फला जगह पे मर गया है। मैं बहुत छोटा था, 6-7 बरस का। मेरा बाप का एक दोस्त था जो उस वक्त मौजूद था मेरे बाप के पास। मेरा हाथ और बाप की जो मिलकत थी मेरे बाप ने उस शख्स को सौंप दी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, समझदार हूँ, सरकार में अपनी मिलकत मांगता हूँ, वो शख्स इनकार करता है। मौला ने उस शख्स का नाम लिया, आदमी भेज के बुलवाया, उसने सिरे से इनकार कर दिया। गवाह, लड़के ने कहा कि सरकार अल्लाह के सिवा मेरा कोई गवाह नहीं। को पूछा, उसने कहा हाँ सरकार, मेरे पास एक आदमी का माल है, क्योंकि उसने जब कुरान पे कसम खाई तो ये बात कही, मेरे पास माल जरूर है, अमानत पड़ी है, लेकिन इस लड़के की नहीं। क्यों? कि ये वो लड़का नहीं, इसके बाप का नहीं, इसको ख्याल हुआ, बाप तो मर चुका है, गवाह कोई था नहीं। लड़का किस तरह साबित करे कि ये उसी बाप का लड़का है? ने उसका बयान लिखा तो अमानत को कबूल करता। ये जो लड़का है तू कहता है उसका नहीं, अगर ये साबित हो जाए कि ये लड़का उसी बाप का है तो ये हकदार है। कहता हाँ। लड़के को कहा तुझे तेरे बाप की कब्र का पता है? जी हाँ। कितने साल हुए मरे हुए? तकरीबन 7 साल हुए। सरकार ने दो आदमी साथ दिए, इसके साथ जाओ, इसके बाप की कब्र खोदो और बाप के बदन की कोई भी हड्डी, खसूसन सीने के नजदीक कोई रिब है, पसली वगैरह, हंसली की हड्डी है, कोई हड्डी किसकी लेके आओ, बाप की हड्डी लेके आओ। आदमी गया लड़के के साथ, 2 महीने का सफर करके हड्डी लेके आया, उस शख्स को बुलवाया। लोग बड़े दिलचस्पी लेने लगे कि ये कैसा केस है, सरकार ने हड्डी लेके उस लड़के के नाक के नजदीक रखी, उसकी नुकसीर जारी हो गई, नाक में से खून निकलने लगा, हड्डी को हटा दिया, खून बंद हो गया। एक और लड़के को बुलवाया और उसको हड्डी सुंघाई, उसको खून जारी न हुआ, इसको दोबारा हड्डी सुंघाई, फिर खून जारी हो गया, हड्डी हटा दी, खून बंद हो गया। एक तीसरे लड़के को बुलवा के उसको सुंघाई, कुछ खून न निकला, इसको तीसरी दफा सुंघाई तो फिर खून निकला। मौला ने कहा ये उसका सुल्फ है, उसकी औलाद है, इसको मिलकर दे दो। ये इल्म लुदुनी है। ये चीजें हमें किताबों में से नहीं मिलती, ये इल्म लुदुनी है, इलाही रूहानी इल्म है। जैसा उस दिन मैंने जिक्र किया, मौला अली के पास एक यहूदी ने इम्तिहानन पूछा, या मौला कौन से जानवर रहम मादर से पैदा होते हैं और कौन से जानवर हैं जो अंडे में से पैदा होते हैं? बिलवजी मौला ने जवाब दिया, जिनके कान बाहर हैं वो रहम मादर से पैदा होते हैं,
जिनके कान बाहर नहीं दिखते वो अंडे में से पैदा होते हैं। माशाल्लाह, आज देखो साइंस को ये चीज आज पता लगती है, शायद आज तक भी उन्हें इतना इल्म ना होगा। अली की हिकमतें पढ़ पढ़ के दुनिया में बहुत बड़े आलिम पैदा हो गए। मौला का ये इल्म है कि जो आबिदों को इबादत में अंदर से मिलता है, अंदर से मिलता है। किताबें पढ़ने से इंशाल्लाह इंसान को जाहिरी चीजें मिलती हैं और उसकी वजह से हमें बातुन की चीजें समझने में आसानी होती है। जाहिर का इल्म बहुत जरूरी है, लेकिन कभी जाहिर का इल्म न हो तो भी बातुन का इल्म बहुत आला चीज है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि आज तमाम दुनिया के अंदर, चाहे वो मुतमदन कौमें हैं यूरोप अमेरिका जैसी, या गैर मुतमदन या कम मुतमदन कौमें हैं न्यूजीलैंड के रहने वाले एबोरिजिनल या अफ्रीका के रहने वाले हप्सी, उनके अंदर भी अकीदत तो है जो बाद में ईमान बनती है। हम पहले किसी को देखते हैं, मुलाकात होती है किसी पार्टी में, रेल में, किसी जगह, कल आप कौन है, मैं फलाना, साहब मैं फलाना, सलाम अलैकुम, एक दूसरे के साथ जान पहचान हुई। ये जान पहचान बढ़ते बढ़ते दोस्ती बन गई, दोस्ती में से भी उख़्वत हो गई, मोहब्बत हो गई। खुदा ताला किसी तरह से हमको दरजात बदरजात मिलता है। तो ये जो अकीदत है ये एक ऐसी चीज है कि हर इंसान के दिल में है, मगर दुनिया के हालात ऐसे रहे कि सारी दुनिया ने खुदा को और उसके नूर को अभी तक कबूल न किया। मैं अभी एक वाज में कह के आया कि कुरान के अंदर ईमान की शनाख्त बहुत है, फिर भी 77 करोड़ 80 करोड़ मुसलमानों में से इमाम को नहीं मानते। तो मजहब अक्सरियत के ऊपर तो नहीं चलता, आला कदरे हैं जो कम लोग जानते हैं। फिर कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर ये जो जुल्मत है, नादानी की जुल्मत है, ये जुल्मत दूर होती जाएगी और एक ऐसा जमाना आएगा कि सारी दुनिया में एक वर्ण हो जाएगा, एक वर्ण। वर्ण कहते हैं जात को, वर्ण कहते हैं ग्रुप को, जमात को भी वर्ण कहते हैं, कबीले को भी वर्ण कहते हैं, कौम को भी वर्ण कहते हैं। आज जमाने के अंदर ये चीज चल रही है, पासपोर्ट वगैरह बहुत हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस इस बात के ऊपर वर्किंग कर रही है कि ये वीजा और पासपोर्ट क्यों, सारी दुनिया खुदा की दुनिया है, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक सिक्का होना चाहिए, एक हुकूमत होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए। अब तक ये चीज बनी नहीं, इसलिए सारी दुनिया को विश्व कुंवारी कहा गया। विश्व यानी दुनिया, जमीन है मिट्टी उसको विश्व कहते हैं, बदन भी मिट्टी है उसको भी विश्व कहते हैं। लेकिन ये सारी दुनिया एक दिन एक हो जाएगी, दुनिया नो अंधारो दूर थे आयसे एक वर्ण, अथर्वेद माय भाख्या सर्वे आउते अली नबी ने शरण। कुरान से पहले अथर्वेद था और वैसे कुरान को भी अथर्वेद कहा गया, और अथिर यानी जो स्थिर नहीं, जो जामिद नहीं, सॉलिड नहीं, मगर बदलता रहता है, जिसमें लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, डायनामिक पावर है, ये अथर्वेद इमाम जमान के फरमान है। क्योंकि इमाम के फरमान जमाने के हिसाब से बदलते रहते हैं। हजर इमाम का दर्जा कुरान जैसा है, क्योंकि कुरान जिस तरह अल्लाह का कलाम है, हजर इमाम की नूरानी हिदायत भी हमारे लिए अल्लाह की तरफ से मिली हुई हिदायत है। अथर्वेद है, जमाना आएगा ये बदलेगा। 1937 या 34 के अंदर दिल्ली में ऑल पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई थी, 40,000 मुसलमान रात को इकट्ठे हुए,
और मौला के लिए इतने उन्होंने नारे लगाए और सलवात और दुरूद पढ़े, इमाम के लिए फिदायत जाहिर कर रहे थे। दूसरे दिन मिशनरी सब गली में पंडाल के अंदर जब मौला बड़ी खुशी से बैठे हुए थे, हुजूर ने पूछा उसको, सब गली तुम रात को थे? कहते हाँ खुदावंद था, मुसलमान आपसे बड़े फिदा थे। इमाम ने फरमाया, सब गली मेरे नाना की उम्मत है, ये लोग मुसलमान मेरे नाना की उम्मत है, अगर से उन्हें मालूम नहीं कि मैं सच्चा हाजिर इमाम हूं, लेकिन एक दिन आएगा मैं आंख का इशारा करूंगा, ये सब मुसलमान मुझे कबूल करेंगे। वो जमाना आ रहा है, यहूदी लोग मुंतजर हैं किसी एक आने वाले के, और जब हजरत ईसा आए तो यहूदियों ने इनकार कर दिया, और हजरत ईसा ने कहा कि मेरे बाद मोहम्मद आएगा, तो ईसाई और यहूदी मुंतजर रहे। जब मोहम्मद खड़े हुए तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। हमने तो इस बात की इंतजारिया मुंतजर बनने की हालत कभी बयान ही नहीं की, न मानी है, क्योंकि हमें इंतजार की जरूरत ही नहीं, हमारे पास तो हमारा वक्त मौजूद है। लेकिन मुसलमानों के अंदर और खसूसन ऐसे फिरके भी हैं कि जो इमाम महदी के मुंतजर हैं, इमाम महदी के मुंतजर हैं, हाजी उल महदी हमारा वक्त मौजूद है। अलबत्ता हमारे गिनानों के अंदर इस बात का इशारा है कि यह जमीन आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों से भर जाएगी। उस वक्त उस जमाने में जो इमाम हाजिर होंगे वो महदी के तौर पे, हमारा हर इमाम हाजी और महदी है, मगर उस जमाने के अंदर जब दुनिया बिल्कुल गुनाहों से भर जाएगी तो उस जमाने का इमाम महदी के तौर पे सारी दुनिया फतह करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो उस जमाने के हिसाब से जो भी तरीका अख्तियार करना पड़ा वो करेगा और सारी दुनिया को राह हक पे चलाएगा। ऐसा न समझना सारी दुनिया इस्माइली बन जाएगी, ऐसा न समझना कि सारी दुनिया मुसलमान बन जाएगी, और ऐसा न समझना कि यहूदी बोलते हैं सारी दुनिया यहूदी बन जाएगी, ऐसा भी नहीं कि सारी दुनिया ईसाई जिस तरह बोलते हैं कि ईसाई हो जाएगी, ऐसा न समझना कि सिख लोग कहते हैं कि सारी दुनिया एक दफा सिख हो जाएगी, भले दो ढाई बरस तक भी रहे मगर सिख जरूर बनेंगे, उसको कहते हैं खालसा हो जाएंगे। हर जमाने के अंदर लोगों ने जो एक हयूला या एक तखयुल अपने दिमाग में डाल लिया है उसके हिसाब से वो सोचते हैं और इधर उधर नहीं देखते। बाद हमारे इस्माइली भी कहते हैं सारी दुनिया इस्माइली हो जाएगी, नहीं ये बात नहीं, सारी दुनिया को मौला मोमन जरूर बनाएगा। एक ब्राह्मण अगर मूर्ति पूजना छोड़ दे, क्योंकि उसके मजहब के अंदर मूर्ति पूजना नहीं है, गीता में वेदों में मूर्ति पूजा के लिए गालियां दी गई हैं, अगर एक ब्राह्मण सचमुच ऋग्वेद के ऊपर या गीता के ऊपर अमल करता है और खुदा की उस तरीके से इबादत करता है, अगर कि उसके हाजिर इमाम की शनाखत या हाजिर इमाम की बयत नसीब ना भी हो, लेकिन एक खुदा को माने, मूर्ति छोड़ दे, गुनाह न करे, अमाल अच्छे करे, इबादत करे, खैरात और दसवन देवे, यानी अपने मजहब के हिसाब से, तो वो एक मोमन है, एक मोमन है। वो ऋषिसर और मुनिवर में आता है, वो खालिस इंसान में आता है, और उसको भी खुदा ताला नजात देगा, जन्नत देगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब तक के हाजिर इमाम की बयत नहीं होगी, उसके बातिन की जो दौलत है वो उसे नहीं मिलेगी, उस ब्राह्मण को ये चीज नहीं मिलेगी जो हाजिर इमाम की बयत से मिलती है, इस चीज से वो महरूम रहेगा, फनाफिल्ला के दरजे तक नहीं जा सकता, बातुनी दीदार नहीं कर सकता, उसके अंदर की जो दुनिया है वो इसी तरह खामोश रहेगी। हाँ, उसकी इबादत और नेक आमाल के हिसाब से खुदा उसको जरूर जजा देगा, यानी उसका नेक बदला देगा। अगर एक यहूदी है
और तौरात के ऊपर बराबर अमल करता है, नेक अमाल करता है, इबादत करता है, और इसी तरह से वो टाइथ देता है, दसवन देता है, और उसको हाजर इमाम की शनाखत नहीं तो उसको भी नजात मिलेगी, लेकिन बातूनी दुनिया उसकी भी खामोश होगी। वो भी मोमन तो जरूर है, अल्लाह का बंदा है। हमको सूफी मजहब की तालीम दी गई, हिंदू सो जाओ और सकती अलग हो के बैठा है, लेकिन अपने मजहब के ऊपर बराबर अमल करने पर खुदा उनके दिलों को ईमान से रोशन करता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें से जो काबिल होते हैं और इस दर्जे पे पहुंचते हैं कि अब उन्हें ईमान की शनाख्त मिले, तो उनको पकड़कर ईमान के पास ले आता है। हमारे एक बड़े मशहूर मिशनरी गुलाम अली शाह 3-4 साल पहले वफात पा गए। मिशनरियों ने जो अजीम काम किए हैं, बहुत कम लोग इन चीजों से वाकिफ हैं। खुदा उन्हें अपनी नूर में जगा दे। मिशनरी गुलाम अली शाह के वालिद सैयद मोहम्मद शाह बहावलपुर स्टेट के किसी गांव में रहते थे, और इनके 6,000 मुरीद थे। गुलाम अली शाह के बाप के 6,000 मुरीद थे। वो पीरी मुरीदी का सिलसिला रखते थे, कई बार सैयदों में से थे, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, इबादत गुजार थे। उस इबादत गुजारी और इल्म के ये सिला हुआ, जैसे अभी मैंने आपको जिक्र किया है, कि गैरों के अंदर उनकी इबादत नेक अमाल के हिसाब से खुदा उनके दिल में ईमान डालता है, और फिर उनमें से जो इस लायक बनते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे बहुत सी मिसालें बन चुकी हैं हिंदुओं में भी, यूरोपियनों में भी। हमें मालूम नहीं, लेकिन बहुत से यूरोपियन भी हाजर इमाम की बैत किए हुए हैं। सैयद मोहम्मद शाह एक दिन मुराकबे में वजीफा कर रहे थे, उनको ख्याल हुआ कि दुनिया में इमाम तो है, इमाम है सही, और ये ख्याल कि इमाम गायब है ये गलत है, खुद इतना शरीफ है। जाफरिया मजहब के ऊपर कायम थे इतना शरीफ, और गायब इमाम को मानते थे, मगर इल्म और जो उनका तहज्जुद था उस पर से उनको दिल में यह ख्याल हुआ कि इमाम है सही। दुआएं मांगी, या मौला तू दुनिया में मौजूद है तो मुझे बता तू कहां है। इस तरह हर रोज मुराकबा करते रहे, दुआएं मांगते रहे, और इमाम जमान को अरज करते रहे कि या इमाम जमान मुझे अपने मुलाकात से मुशर्रफ करो। मुराकबे के अंदर एक दिन सो गए, नींद में इस बात के लिए इसको कहा गया कि तू सच कहता है, मैं गायब नहीं हूं, मैं हाजिर हूं, जाहिर हूं, और दुनिया के इंसानों के अंदर मैं घूमता हूं,
तो मेरी जस्तजू कर, निशान नहीं बताया। इसको ये तो यकीन हुआ कि इमाम हाजिर तो है। इस्माइलियों के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। सैयद मोहम्मद शाह एक रात को बीवी बच्चों को छोड़ के कराची चले आए। घर वालों को किसी को खबर न दी मैं कहाँ जाता हूँ। घर छोड़ के उनके गांव से कुछ चंद मील था स्टेशन रेलवे का, रात के अंधेरे में पांव से चले गए और ट्रेन में बैठ के कराची आए। यहां से चले गए बसरा। इनको ख्याल ये हुआ कि इमाम को ढूंढने के लिए मैं इन ममालिक में जाऊं, कोई दाढ़ी वाला, बड़ी पगड़ी वाला, लंबे जुब्बे वाला, लंबी तस्बीह वाला, दाढ़ी को मेहंदी लगाने वाला, आंखों में सुरमा डालने वाला और हुलूज से अपने हाथों को मालिश करके चेहरे पे मलने वाला, ऐसा कोई इमाम होगा। बसरा गए, बगदाद गए, काजमीन गए, इराक घूमे, लेबनान गए, सीरिया गए, जॉर्डन में आए, फलस्तीन देखा, मिस्र में गए, वहां से फिरे, अरबस्तान में आए, यमन में आए, कुवैत बहरीन पहुंचे, ईरान में गए। 12 साल घूमते रहे, 12 साल घूमते रहे। 200-400 बरस की तारीख नहीं बयान कर रहा, 50 बरस की बात है ये। 12 साल मिशनरी गुलाम अली शाह के वालिद सैयद मोहम्मद शाह 12 साल घूमते रहे। उम्र बड़ी हो गई, बीवी बच्चे कभी कभी याद आते रहे। फकीरी तो थी ही, कोई आदमी घर ले गया तो खाना खा लिया, जिस कभी मांगी नहीं। इस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। बीमार बीमार रहने लगे, दोबारा इराक में आए और बगदाद आके ठहरे। यहां बीमार पड़ गए, सख्त बीमार पड़े, जान के लाले पड़ गए। जिस अरब के घर में उतरे थे उसने इनकी बड़ी खिदमत की। उसको कहा मेरा इंतजाम करो कि मैं किसी तरह नजफ पहुंच जाऊं, फिर मुझे छोड़ दो। उनको मर जाओगे क्या? वो बात तो सच है, मेरी मौत अब नजदीक है और मुझे इस बात के लिए बिल्कुल यकीन है कि मेरे अभी दम थोड़े हैं, मगर मैं मौला अली के रोजे पे मरना चाहता हूं, मुझे किसी तरह से मेरे पे मेहरबानी करो, नजफ पहुंचा दो। उसने इंतजाम कर दिया, नजफ पहुंचा दिया। खड़े होने की ताकत नहीं थी लेकिन आदमियों ने उठा के मौला अली की कब्र के पास रोजे के अंदर इसको छोड़ दिया। इसने उनको कहा कि तुम जाओ और मेरी कोई भी कोई तकसीर हो तो मुझे माफ करना। मौला अली के रोजे पे जाके पांव की तरफ, वहां इसने रोना शुरू किया, या मौला इल्म से इबादत से मुझे इस बात की तकवीयत हुई ईमान में कि तू दुनिया में मौजूद हाजिर है, और तूने मुझको कहा भी कि मेरी जस्तजू कर, 12 साल से तुझे ढूंढ रहा हूं। या मौला अब मेरी मौत नजदीक है, अगर मैं मरूं तो मेरे इस ईमान को कबूल कर कि मैं जाहिल की मौत नहीं मरता, मैं तेरी मारिफत में मरता हूं, अगर से मुझे मालूम नहीं कि तू कहां है, और या फिर मुझको जिंदगी दे तो जिंदगी भर मैं तेरी खाके पा में रह के मैं तेरी खिदमत करूं। दुआएं मांगते हुए बेहोश हो गए। यह खुद उनकी मुंह की जबानी लिखी हुई, कही हुई और लिखी हुई स्टोरी है। बेहोशी के आलम में इनको बशारत होती है, ऐ मेरे बेटे उठ, मैंने तेरी सारी कोख्त दूर कर दी, तुम कराची आओ और वहां हमसे मुलाकात करो। हाथ पकड़ के इसको उठाया, ख्वाब में बशारत में खुद बेहोश पड़ा है, सिर पे हाथ फिराया,
सिर्फ मुकाम करा के दिया और चला गया, गायब हुआ। लोगों ने इसको पानी के छींटे दिए, कोई उठा के किसी ठंडी जगह पे और जगह ले गए। तीमारदारी की कुछ दिनों के बाद हालत बेहतर हो गई, दो तीन महीने के बाद चलने फिरने के लायक हो गए, सफर करने के लायक हुए। बगदाद से निकल के बसरा आए, स्टीमर पकड़ के चले आए कराची। अब कराची तो आ गए, मोहल्ला कौन सा, बाजार कौन सा, कहाँ जाए। उस वक्त हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह कराची में थे। ये जब कराची आए तो अखबारों के अंदर और लोगों के मुंह से इमाम की जब बातें निकलने लगी, इसको ख्याल आया कि हाजिर इमाम का दावा तो ये अकेला करता है, यही तो नहीं। फिर तस्बीहें निकाली, मुराकबा किया, हुक्म हुआ कि तुम खोजों को मिलो। तो खरागर के अंदर दूसरे भी हैं, उनके पास गया। रात को बिशारत हुई कि ये खोजे नहीं, वो दूसरे खोजे। मिशनरी हुसैनी को पूछ पूछ के किसी आदमी ने इस्माइली मिला और उसने कहा कि तुम हुसैनी मिशनरी को मिलो। हुसैनी मिशनरी की इसकी पहली मुलाकात हुई। मिशनरी हुसैनी बड़े मरहूब हुए, बोले अच्छा बैठो, सारी स्टोरी सुन के। शाम को जब मौला के हुजूर में गए, हुसैनी मिशनरी ने मौला के पास सारी बात रखी। मौला फरमाया मैं जानता हूँ, देखो फलाने दिन उसको लेके आना। अब उस जमाने में एक और भी शख्स था, उसका नाम था सैयद सलीम वारसी, जिसने इजहार हकीकत की किताब लिखी, पहला और दूसरा हिस्सा इस्माइलिया एसोसिएशन में पढ़ा हुआ है। बड़ी अच्छी किताब है, पढ़ने जैसी है, खसूसन दूसरा हिस्सा। इजहार हकीकत गुजराती में भी है, उर्दू में भी है, और जो बच्चे बच्चियां अपने मजहब की स्टडी करते हैं उनको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छे मुदल्लल दलाइल दिए हुए हैं। ये सैयद सलीम वारसी बाद में इस्माइली मजहब में आया। दोनों को मौला ने एक ही दिन दिया था, और जब सैयद मोहम्मद शाह को ले गए, मिशनरी हुसैनी और सबजली अंदर गए, तो दरवाजे के ऊपर ही गिर पड़ा, या इमाम करके गिर पड़ा। पांव में ताकत न रही आगे जाने की, सहारा दे के लोगों ने इमाम के नजदीक पहुंचाया, बिल्कुल पांव पे सिर रख दिया। कहता या इमाम, आप ही थे कि नजफ के रोजे पे आपने मेरा हाथ पकड़ के उठाया। वही लिबास है, वही कपड़े हैं, वही रंग है, वही शक्ल है। या इमाम, 12 बरस आपने मुझे हैरान किया। मौला फरमाया तुम्हारी तरबियत के लिए। मौला ने उसको इस्माइली मजहब ने अपनी गुलामी में कबूल किया। माँ बाप कहते हैं 12 साल से तू अपना घर छोड़ के निकला है और तूने कभी घर वालों को कहा नहीं, वो ये समझ बैठे हैं कि तू मर चुका है। कहता या मौला, मेरी जो खानदान है उसकी भी बयत कबूल करो, मुझे मालूम नहीं कि कौन मर चुका है कौन जीता है। इमाम ने फरमाया सब सलामत है, कोई मरा नहीं, मैं सबकी बयत कबूल करता हूँ। सबकी बयत कबूल की। फिर कहता खुदावन, मेरे 6,000 मुरीद हैं, उनकी भी बयत कबूल करो। ऐसा फरमाया उसकी हमको जरूरत नहीं। 6,000 मुरीद बनते हैं, कौन दुनिया का ऐसा कोई पीर मुर्शिद है कि 6,000 मुरीद मिलते होंगे उसको तोहफे के तौर पे छोड़ देगा। एक मुरीद के लिए उसकी भी आमदनी शुरू होती है, मुरीद भी एक मशीन होते हैं, कमा कमा के मुर्शिद को देते रहते हैं। तो इस्माइली मजहब क्या है? पैसे का मजहब है, कमर्शियलाइज किया हुआ है। जरा दूसरों की तरफ देखो, ये कमर्शियलाइज कितना है वो तो बाद में देखना। जरा 6 लड़के 6 लड़कों की 14 बीवियां और उनके बच्चे, 80-85 आदमी का काफिला आया। 2 एरोप्लेन भर के हिंदुस्तान से आए,
किसी की तनकीद करने की जरूरत नहीं मुझे, मैं आपको महज ये दिखाना चाहता हूँ कि इसके सामने ये सामने रख के जरा देख लो, दोनों को मिला के देख लो। दुनिया के किसी भी मजहब में से छह मजहब हैं दुनिया में ऐसे कि जिनके ऊपर मजहबी रहनुमा उनके सर के ऊपर हैं, एक तो बोले, दूसरा ये बुद्धिस्ट जो है तिब्बत वाले उनका दलाई लामा है, दार्जिलिंग में बैठा है आजकल, उसको भी वो लोग खुदा का अवतार कहते हैं। तीसरा ये कादियानी उनके सर के ऊपर है, एक तो बोले, दूसरा ये बुद्धिस्ट जो है तिब्बत वाले उनका दलाई लामा है, दार्जिलिंग में बैठा है आजकल, उसको भी वो लोग खुदा का अवतार कहते हैं। तीसरा ये कादियानी कि जो ये इनके अपने खलीफा, अभी तो उसको खलीफा कहते हैं, इमाम नहीं कहते। चौथे ये ईसाई कैथोलिक लोग जो पोप को मानते हैं हो रहे। और पांचवें जापान के शिंटो मजहब वाले जो अपने बादशाह को खुदा का बेटा समझते हैं। और छठे इस्माइली हैं कि जो आगा खान को खुदा का नूर कहते हैं। ये छह जने हैं दुनिया में। और सातवां इनकी कैटेगरी का, इनके दर्जे का कोई नजर नहीं आता मुझे। ऐसे तो बहुत है हजारों लोग, लेकिन इनके ऊपर दर्जे का टॉप ग्रेड के दुनिया में मजहबी रहनुमाओं में ये छह जने हैं। चारे चारे युगमा की बात नहीं। ये बंबई में जो दफन है सैयद मोहम्मद शाह दूल्हे, ये गिनान उनका है। सैयद मोहम्मद शाह दूल्हे फिर हसन कबीर दीन की औलाद में से थे, कुठियों के पीर न थे लेकिन वकील थे, मिशनरी थे। आज की कल की बात नहीं, कहते हैं चार चार युगों से हम देखते चले आए हैं कि तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। पोप को देखो, काहिर सैफुद्दीन को या आज उनके जानशीन को देखो, मिर्ज़ाइयों के खलीफा को देखो,
दार्जिलिंग में बैठा हुआ है तिब्बत के बुद्ध लोगों का लामा, उसकी स्टडी करो। और ये जो कहते हैं कि खुदा का बेटा है, जापान का शहंशाह, शिंटो मजहब के लोग जो आज घट रहे हैं, शिंटो मजहब गए 20 बरस के अंदर तकरीबन आधा रह गया है, हजर इमाम को साथ रख के अब सब की फोटो देख लो तखयल में, वजन करके देखो, तोल के देखो। सदरदीन ने कहा है मैंने मौला की पहचान की है, यूं ही आंखें बंद करके नहीं माना, मैंने मौला की पहचान की है, जस्तजू की है, और फिर मैंने इसकी खिदमत की है और इसकी मैंने बंदगी की है। और तुम भी पहले इसकी पहचान कर लो, जस्तजू कर लो, दिल को यकीन आ जाए, खातर जमा हो जाए, फिर इसकी बंदगी करो। कहते हैं हमें ओड़खी ने रेव्याचू आज जी, हमें ओड़खी ने रेव्याचू आज जी, तमें ओड़खी ने रेवा जो आज जी, ओला नुगराने ना आवे लाज जी, मारो साहेब मारो साहेब राख खंड में जाई रहो। ये बड़ा अच्छा गिनान है। फिर कहते हैं कि मैंने इसकी शनाखत की है और फिर मैंने इसकी बंदगी की है, तुम भी इसकी शनाखत कर लो, सच्चा है तो मानना, तुमको झूठा लगे छोड़ दो, किसी ने थोड़े हाथ बांधे हैं कि नहीं इस्माइली मजहब में रहना ही चाहिए, अच्छा नहीं लगता जाओ, दरवाजे खुले हैं, कोई मुखी कामड़िया मिशनरी काउंसिल वगैरह कोई जबरदस्ती नहीं करते, हाजिर इमाम को जाके कहो या मौला मैं तुझे नहीं मानता, कहेगा अच्छा खुदा हाफिज जाओ, तू गाली नहीं देगा कुछ नहीं, या मौला तू हमारा मालिक है, आमीन आओ बैठो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं। मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं, लाइक राह दीन, कोई जबरदस्ती नहीं, मजहब मोहब्बत की अकीदत की बात है। लेकिन देख लो, देख लो, मुला साहब उधर आए अफ्रीका में, इतना बड़ा रसाला साथ लेके आए, तो कोई आदमी उनके सेक्रेटरी के पास जावे, मुझे मुला साहब की मुलाकात करनी है, कहता सवा 51 शिलिंग लाओ, खाली मुलाकात के, कहता हाँ, अपॉइंटमेंट मिलने के 51 शिलिंग, फिर सौदा करे कि उसके पास तू मेहमानी कितनी रखेगा, भाई मैं गरीब आदमी हूं मैं अपनी मन मुराद रखूंगा, कहता नहीं 500 रुपए 500 शिलिंग मेहमानी के, कोई अमीर आदमी होवे तो 5000 मांगे, सौदा होवे 5-5 हजार 10-10 हजार का। हमारे इमाम के पास लोग कहते हैं तो क्या हमारी तरफ सौदा नहीं, हमारी तरफ मोहब्बत है। किसी मुखी ने आपके साथ कुछ सौदा किया, चलो इतने पैसे रखो या इतने रखो, इस तरह को कोई बार्गेनिंग हुई, कोई बार्गेनिंग नहीं हुई, कोई सौदागरी नहीं, कुछ नहीं, अलबत्ता अगर मर्जी आती है तो रखो नहीं तो नहीं, मगर वहां तो ये था कि घरों घर जाके उनके जो गुमास्ते थे वो लोगों को मजबूर करते थे, हम सुनते हैं तुम्हारी हालत ये है, तुम करोड़पति हो तो 1 लाख शिलिंग लाओ 5 लाख शिलिंग लाओ, वगरना तुमको हम नाकबार करेंगे। इस बात के लिए ऐसी गड़बड़ चली कि अफ्रीका के अंदर दो पार्टियां बन गईं। उन्होंने खुल्लम खुल्ला जाहिरन कहा कि नामदार आगा खान जो सच्चे इमाम है इस्माइलियों के, वो जब भी आते हैं तो इस किस्म की कोई बात नहीं होती, और कभी हमें कोई जमात खाना बनाना होता है इस्माइलियों की बात करते हैं तो इमाम को कहते हैं, तो इमाम आधे पैसे उनके आधे जमात के, स्कूल बनाए हैं इस्माइलियों के, हॉस्पिटल बनाए हुए हैं इस्माइलियों के, कहते बोरों का कुछ नहीं, मस्जिद के अंदर मुला साहब के 5 शिलिंग भी नहीं,
मिर्जा साहब ने जब ये देखा कि ये लोग अभी फ्रंट हो रहे हैं तो उन्होंने एक ऐलान किया, कहता कहता तुम भी स्कीमें बनाओ तो नामदार आगा खान तो 50-50 देते हैं, मैं तुमको 25 दूंगा। चलो उन्होंने कहा ऐसा ही सही, मगर जब स्कीमें बना के भेजी तो हजरत फौत हो गए, गुजर गए। और बाद में जब उनका जानशीन आया वो भी साथ से, जब ये बात हुई इनको पता था कि भाई ये 25-25 की बात आई है, 75 हमारे 25 आपके। तो उन्होंने कहा कि मेरे अबाजान ने कहा था, हमने तो नहीं कहा था, अबाजान तो फौत हो गए। मौलाना सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की वफात हुई, लॉयड्स बैंक साहब के एजेंट हैं। मौलाना हाजर इमाम को जब इमामत की मसनद मिली तो सुल्तान मोहम्मद शाह का जो दुनियावी मिल्कत का वारसा था वो प्रिंस अली खान को और प्रिंस सदरुद्दीन को मिला, दो भाइयों को मिला, मिल्कत का वारसा उनको मिला, हाजर इमाम को और प्रिंस अमीन को और शहजादी यास्मीन को जो मिला तो वो पिता बाप प्रिंस अली खान से मिला, दादा से नहीं। रूहानी जो वारसा था इमामत का वो और चीज थी, दुनिया का वारसा हाजर इमाम को ना मिला। लेकिन इमाम के तौर पे और दूसरी तरफ आगा खान के तौर पे दोनों हालतों के अंदर सुल्तान मोहम्मद शाह की लाखों पाउंड की सखावत हर साल होती थी, लाखों पाउंड की। मैं आपको उसके अंदर एक छोटी सी मिसाल दूं, 1911 के अंदर अलीगढ़ का जो एंग्लो अरेबिक कॉलेज था उसको सुल्तान मोहम्मद शाह ने सल्लल्लाहु अलैहि ने कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनाया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मौला ने बनाई। और उस वक्त मौला ने 1,25,000 रुपया दिया, हर साल 1,25,000 रुपया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिलता रहा। ये तो बात 1911 की हुई। उसके बाद जब ये खिलाफत की मूवमेंट शुरू हुई, शुद्धू की मूवमेंट शुरू हुई, पब्लिक के अंदर जब आए तो इमाम ने बहुत दफा ऐसे बयानात भी दिए कि हिंदू और मुसलमान दोनों मेरी आंखें हैं, एक आंख हिंदू है एक आंख मुसलमान है, क्योंकि हिंदुओं में बहुत से हजर इमाम के गुप्ती मुरीद भी हैं। 1926 के अंदर हिंदू लोगों ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सामने एक हिंदू यूनिवर्सिटी खड़ी की और वो बनारस में, बनारस के अंदर एक छोटा मोटा स्कूल था हाई स्कूल, उसको इन्होंने कॉलेज बनाया। और पंडित मदन मोहन मालवीय सारे हिंदुस्तान में घूमा हिंदुओं के पास से पैसा लेने के लिए, जिस तरह मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह घूमे थे। ये बड़े बड़े डालमिया जैसे करोड़पति अरबपतियों ने भी उसके अंदर खातर खा मदद न की। पंडित मदन मोहन मालवीय मौलाना सुल्तान मोहम्मद के पास आया, उसके साथ लाला लजपत राय था और एक तीसरा आदमी था जो भी मेरे जहन में नाम याद नहीं आ रहा। मौला के पास वालकेश्वर के बंगले पे गए, साहब ने बहुत अच्छी तरह से उनको बिठाया, चाय पानी पिलाई। क्या बात है पंडित जी, आप कहकर सरकार आप हमेशा कहते हो हिंदू मुसलमान मेरी दो आंखें हैं, फरमाया मैं अब भी कहता हूँ, क्या चाहते हो? हमने बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई है और आप अपने लफ्जों के ऊपर खड़े रहो। कहा मैं खड़ा हूँ, चाहते क्या हो? कहते बस कुछ भी आपके ख्याल में आए। इमाम ने फरमाया तू बोल क्या चाहता है, मैंने कितनी रकम दू। सोच सोच के डर डर के कहते 25,000 रुपया। सब कहने लगे मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1,25,000 रुपया देता हूँ, तुमने खुद ने 25 मांगे हैं, मैं इसको डबल कर देता हूँ। अगर तुम मुझे कहते कि जो आंखें हो मेरे पे छोड़ देते कि उतना ही तो मैं उसको भी 1,25,000 देता, लेकिन तुमने 25 मांगे मैं डबल करता हूँ 50,000। फिर सब बोले अच्छा 51,000 हर साल दूंगा। इतना खुश हुआ कहते हर साल, मतलब ने फरमाया जब तक तुम्हारी बनारस यूनिवर्सिटी कायम रहेगी
मैं हर साल तुमको 51,000 दूंगा। हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की जब दुनिया भाने आंख बंद हो गई, रहलत फरमाई, तो सैयदना बुरहानुद्दीन की तरह कह सकते थे कि ये तो उसने कहा था। नहीं कहा। लॉयड्स बैंक को प्रिंस अली खान ने खत लिखा, दूसरा खत हजर इमाम ने लिखा कि मेरे बाप की, इन्होंने कहा मेरे दादा की इमामत के तौर पे, उन्होंने कहा मेरे बाप के तौर पे जो कुछ भी उनकी सखावतें थी वो इसी तरह से जारी रहे। आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को पैसे मिलते हैं और मदन मोहन मालवीय की बनारस यूनिवर्सिटी को भी पैसे मिलते हैं। उसकी जाहिरी सखावतों की बातें हैं, अंदर के ऊपर क्या होता है आपको मालूम नहीं। मोमिनों, कौन ऐसा दुनिया में पीरो मुर्शिद है कि जिसको 6,000 मुरीद मिले और तोड़ दे रहे? और कौन ऐसा मुर्शिद है कि मुरीद दुखी हो गए तो वो लाखों शिलिंग या रुपए खर्च करे? अभी ये युगांडा के अंदर तकलीफ पड़ गई। हमारी 11-12 हजार की जमात थी, तकरीबन 75,000 एशियंस थे। सब लोग जब निकल गए, पैसे वाले तो फौरन निकल गए, गाड़ियां ले जाने की तो बातें नहीं थी, मगर कहीं ना कहीं एरोप्लेन में से निकल गए। कुछ ऐसे इस्माइली भी थे कि जिनकी फैमिलियां बड़ी थी, किसी के 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, तो बूढ़ी माँ है, 8-10 फैमिली में आदमी है, और 5,000 शिलिंग एक तरफ का किराया 3,000 शिलिंग होता है, तो 3,000 शिलिंग एक तरफ का किराया भी निकाले तो कहाँ से? कभी 7 आदमी हैं तो 20,000 शिलिंग होता है, इसमें पैसे नहीं के जा सके। मौलाना हजर इमाम ने फरमान भेजा, जितने भी कारसाजी के पैसे हैं सबको दे दो टिकटों में, 80 लाख शिलिंग टिकटों के लिए जमात को दिए हैं, 80 लाख शिलिंग। आपका 1,10,15 लाख रुपया होता है, हमारा डॉलर 7.5 शिलिंग का है, आपके 11 रुपए के बराबर है, 1.5 गुना से ज्यादा है। 80 लाख रुपए, 1.25 करोड़ रुपया इमाम ने उनको दिया टिकटें लेने के लिए कि ये मेरे मुरीदों को बख्शीश है और उनके ऊपर कोई भार नहीं। फिर भी तकरीबन 300 जितने इस्माइली पीछे रह गए, और ऐसे हालात हुए कि उनके पेपर्स नहीं बनते थे, वो बेचारे जा नहीं सकते थे। टिकटों के लिए हम पैसे देते थे लेकिन निकल नहीं सकते थे। 15 दिन के बाद इमाम ने अपना जो असर लगाना था वो लगा के नैरोबी से प्लेन भेजे, 3 प्लेन, और उसमें से 300 आदमी साथ उठा लाए। जब इस्माइलियों के स्पेशल प्लेन आए इस्माइलियों को लेने के लिए, तो एयरपोर्ट के ऊपर बहुत से गैर कौम के जो लोग थे वो टोपियां उतार के हमारे अमरदारों के पांव में रखते थे कि आगा खान का वास्ता हमको ले चलो, जितनी तुम्हारी सीटें खाली हैं। इनमें जितनी सीटें खाली थी तकरीबन 30-32 आदमी हम दूसरों के भी उठा लाए, हिंदू भी थे सिख भी थे, उनके बीवी बच्चे भी हम ले आए, और वो आगा खान को आज याद कर रहे हैं, पूज रहे हैं। दुनिया में कौन ऐसा मुर्शिद है कि जो मुरीदों से लेता नहीं बल्कि अपने शीशे से भी दे रहा है? जो कुछ भी हम यहाँ देते हैं ये दीनदारों मौला के खीसे में नहीं जाता। मैंने कहा मौला के खीसे में नहीं जाता तो ये ना समझना कि मुखी का मैया के खीसे में जाता है, नहीं, ये जमात ही के खीसे में वापस आता है, जमात की भलाई के लिए। आप कोई भी मजहब की कामकाज की बात करो, अपना प्लान बनाओ, स्कीम बनाओ, मौलाना हाजर इमाम आपको पाउंड टू पाउंड ग्रांट देता है, 1 पाउंड के सामने 1 पाउंड। 1946 में डायमंड जुबली थी, ऐसी तो कितनी ही बातें हैं, कितनी बातें। 1946 में डायमंड जुबली का मौका, सारी दुनिया में उसके लिए इश्तेहार, पब्लिसिटी। जिसने कभी आगा खान का नाम ना सुना था जंगलों में, उन्होंने भी रेडियो के ऊपर नाम सुना कि आगा खान हीरे में सोने जाते हैं। सूरत और नौसारी के इर्द गिर्द सतगुरु नूर का रोजा
और उसकी मिलकतें और छोटे छोटे पीरों के रोजे हैं। ये सदगुरु नूर नूरुद्दीन सैयद उस्तादात हैं, हमारे मौला की फैमिली में से हमारे पीर हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहले पीर नूरुद्दीन आए थे, जिन्होंने इधर आके अपना नाम सदगुरु नूर रखा। नौसारी में दफन है सूरत के जिले में। हमने कभी भी जाहिरी बातों की ज्यादा दरकार नहीं की, क्योंकि इस्माइली मजहब बातों पर चलने वाला है। कि सदगुरु नूर की वफात के बाद उनकी औलाद में से जो पीर जौमे के अंदर या लाइन में ना आए, दूसरे भी बच्चे थे, उन औलाद में से उन्होंने कब्जा कर लिया और आज भी कब्जा है उन्हीं का। 1946 में नौसारी की गद्दी के ऊपर सज्जादा नशीन सदरुद्दीन थे। उसने दो किताबें भी लिखी हुई हैं। मिशन स्टूडेंट्स जो बैठे हैं वो ये दो किताबें जरूर पढ़े। उसका नाम है तवारीख पीर, भाग पहला और दूसरा। ये बड़ी अच्छी किताबें हैं और इसमें खासतौर जो दूसरा हिस्सा है वो ज्यादा बड़ा है। बहुत सी गलतियां हैं उसमें, बहुत से गिनान ऐसा तोड़ मरोड़ के लिखे गए। गिनानों का जो टेक्स्ट है वो सही है, लेकिन किसी एक पीर का गिनान किसी दूसरे पीर के नाम पे लिख दिया। मिसाल के तौर पे सदरुद्दीन सज्जादा ने ये जो किताब लिखी तो उसमें कहते हैं कि ये सतगुरु नूर का जो सलोखा है, सतगुरु कह रहे तो कहते पीर समझ का लिखा हुआ नहीं लेकिन सतगुरु नूर का है। ये गलत बात है, सतगुरु नूर ने कोई सलोखा नहीं लिखा। समत ने लिखा 240 पाठ का और फिर सदरुद्दीन ने लिखा 120 पाठ का। इमाम जमान के पास ये सदरुद्दीन नौसारी की दरगाह का मुजावर मैनेजर, और उसका दावा है कि हम लोग इस सदगुरु नूर की औलाद में से हैं। दो तीन आदमियों के साथ मुंबई आए, मुंबई रिक्रिएशन क्लब में आके इन्होंने जाहिर किया कि हम ये हैं। हमने उनकी इज्जत की, बिठाया, क्या काम है कि हमको सरकार से मिलना है? काम क्या है? काम ये है कि ये जितनी भी मिलकत है, आज हमको ये महसूस होता है कि इनके मालिक ये हैं। अभी मिलकत की बात आई कांवड़िया कासिम अली को और मौलाना हाजर इमाम का, उस वक्त जो स्टेट मैनेजर था जाफर कासम मूसा, उसको बुलाया गया। जाफर भाई को बैठे, मौला के पास अपॉइंटमेंट मांगी, मौला के पास गए। मौला के पास जाके इसने कागजात और दस्तावेजें रखी। कहता है सरकार आज हमको अपनी गलती का एहसास होता है, ये मिल्कत सब आपकी है, आप इसके हकदार हो, ये सब दस्तावेजें ले लो, मगर सिर्फ एक ही शर्त है कि हमको 3 लाख रुपया हर बरस साल के तौर पे हमारी फैमिली के परवरिश के लिए मिलता रहे। 12-13 लाख रुपए की सालाना आमदनी है। आप लोग तो सब दुकानदार व्यापारी हो, आपको कोई 12 लाख रुपया दे के 3 लाख की मांगनी करे तो भी 9 लाख तो आपको नफा मिलता है, आप छोड़ दो। ऐसा व्यापार तो बैठे बैठे मिले, कौन ना पसंद करे। 12-13 लाख का चढ़ावा आमदनी नवसारी और सदगुरु नूर की और फैमिली की दरगाहों में से जो होता है, ये सबका सब हाजर इमाम को वो देने से पूर्व करने को तैयार हैं। खाली एक शर्त लगाई कि उसमें से हमें 3 लाख रुपया साल का मिले ताकि हमारी जो रहने की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पोजीशन है वो कायम रहे। मौला फरमाया देखो सदरुद्दीन साहब, ऐसा समझते हो कि इसके मालिक हम हैं? कहने लगा हाँ। तो उसमें ये बेहतर है कि बिला शर्त हमको दे दो, फिर अब हमारे ऊपर है कि हम तुम्हें इसमें से कुछ दें या ना दें। उसको ये डर लगा कि मैं बाजार के ऊपर आवारा हो जाऊंगा और ऐसे बड़े लोग कोई जाहिरी को छोटा मोटा काम तो कर नहीं सकते। इस शक और डर के अंदर कहने लगा साहब फिर मेरा क्या,
सब कहने लगे कि मेरा हक देने आए हो, तो हक अगर जानते हो कि मेरा हक है फिर उसमें शर्त रहेगी। कहने लगे सब मुझे 3 लाख आप लिख दो तो मुझे कोई बात नहीं। सब देखे मगर मैं पूरा हक मांगता हूँ, अधूरा नहीं मांगता, नहीं तो तुम जाओ ले जाओ। सब उसके चले गए और वो भी चला गया। साहब ने 9 लाख रुपए का नफा छोड़ दिया। कोई पीर फकीर होता तो ये नफा छोड़कर, लेकिन यहाँ बात है उसूल की। इमाम को पैसे की कोई परवाह नहीं, ना कोई लालच है। अगर वो लालची होता तो 9 लाख रुपए तो पैसे दिखा मिलते थे, बल्कि देख रेख रखने के लिए नौकर भी सामने अपनी ऑफर करते थे कि 3 लाख देना मैं तेरी नौकरी भी करूंगा, देख रेख रखूंगा। ऐसा भी नहीं, देखभाल की भी जरूरत नहीं थी। मगर इमाम ने कहा नहीं चाहिए, शर्त नहीं होनी चाहिए। इमाम को कोई लालच नहीं। हम इस्माइलियों के अंदर भी जो कुछ भी है हमारे ऊपर ही खर्च किए जाते हैं। मैं फिगर्स नहीं दे सकता, लेकिन सारी दुनिया के अंदर करोड़ों का खर्च है इमाम का, करोड़ों का, अपनी कौम में भी गैर कौम में भी बेहिसाब। आप लोग जो कुछ भी यहाँ एक पाई भी देते हो, ये पाई में से बनारस यूनिवर्सिटी को भी मिल रहा है आपकी तरफ से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को भी मिल रहा है आपकी तरफ से। इमाम इमाम की हैसियत में सारी जमात की तरफ से जो सखावत करते हैं, अगर से हम देते हैं सिर्फ इमाम को, हमारा पैसा तो क्या, हमारी चमड़ा और हड्डियां भी इमाम की हैं, हमारा मालिक ही इमाम है, हमारी बिल्डिंगें हमारी मोटरें सब इमाम की हैं, हमारा कुछ नहीं। क्योंकि बैत का मतलब ये होता है कि या मौला मेरी हर चीज का तू मालिक है, हर चीज। इसके लिए जो कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं। और कभी ये फिलोसफी आपने समझ ली तो लोग जो कहते हैं ना कि जमात खाने में हम पैसे देते हैं, हम क्या देते हैं, ये तो है ही उसी का। बैत करने का मतलब ये है कि हमने सब कुछ दे दिया, सब कुछ, और अब जो कुछ दे रहे हैं हम नहीं दे रहे, ये उसी का है। उसने हमको इजाजत दी है कि देखो एक हिस्सा मुझको दे के 7 हिस्से तुम रखो। हम साहब को एक हिस्सा दसवंत नहीं देते, हाजिर इमाम हमको 7 हिस्से बख्शीश देते हैं। ऐसा न समझना कि हम हाजिर इमाम को दसवंत देते हैं। मैं इस्लामी मजहब की तसव्वुफ की फिलोसफी दे रहा हूँ कि हम हाजिर इमाम को एक हिस्सा नहीं देते। बैत कर लेने के बाद हर चीज मौला की है। अब वो हमको 1 रुपया रख लेता है और 7 रुपये हमको बख्शीश देता है। सब कुछ उसका है, हमारा कुछ नहीं। 1940 में मौला बारपेटा स्टीमर में बैठ के फरवरी महीने को निकले, ईद के दिन रस्ते में द्वार का आया। मैं ये मिसाल एक वक्त दे चुका हूँ, लेकिन अब जो बात आपको कहता हूँ वो फिर यहाँ फिट होती है। द्वार का आया, थोड़ा सा माल उतारना था। कैप्टन ने आके कहा कि हम यहाँ द्वार का चंद घंटे ठहरेंगे। सब फरमाया ऐसा हो सकता तुम गाड़ी का बंदोबस्त करो, मैं द्वार का देख के आऊँ। कैप्टन मजीद खान, छोटू गारस और एतमादी हुसैन अली हाजिर इमाम के साथ थे, सुल्तान मोहम्मद शाह सलमतुल्लाह अलैह के साथ। सब गए द्वारका देखने के लिए, और ओल्डेस्ट बिल्डिंग जो थी तो वो कृष्ण का मंदिर था। कृष्ण का मंदिर देख के सब उसके वो बड़े महंत को कहते हैं, ये तुमने हालत कर रखी है, टूटा फूटा है, रंग रोगन खराब है, लकड़ियां सड़ गई हैं। कहते साहब क्या करें, कोई मानता नहीं, कोई पैसे नहीं देता, करोड़ों पति हिंदू हैं। माँ बाप ने पूछा कि कितना खर्च आना चाहिए। एक आसार कदीमा की चीज है, हिंदुओं के मजहब की एक आला चीज है, मजहबी चीज है। मस्जिद नहीं तो मंदिर है जहां खुदा की इबादत होती है। चाहे उसमें मूर्तियां पड़ी हुई हैं, अच्छे लोग भी हैं, उनके मजहब का अकीदा है। अंदाजा लगाया गया 50,000 रुपए का खर्चा। माँ बाप ने कहा अच्छा इसको बनाओ तुम। साहब ने 50,000 रुपए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भेजे। द्वारका में कृष्ण के मंदिर की रिपेयर के लिए मेरे 50,000 रुपए तुम कबूल करो।
उन्होंने कबूल किया और बड़ी शर्म आई और उन्होंने इस मंदिर को लाख दो लाख रुपया खर्च करके रिपेयर किया, लेकिन 50,000 रुपए हाजरी इमाम ने दिए। ये तो सुल्तान मोहम्मद शाह की बात थी। हमारा मौला जब छोटी उम्र में तख्त पे बैठे, पहला सफर किया, दारुस्सलाम आए, पहली कोरोनेशन सेरेमनी मस्जिद नशीनी तख्त नशीनी दारुस्सलाम में हुई। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए दारुस्सलाम के अंदर मौला गए, जमातखाने के बड़े जमातखाने के नजदीक एक गली के अंदर है, तो मस्जिद की हालत बड़ी खराब देखी। मौला ने उनको कहा कि ये ऐसे हाल है मस्जिद का, तुम इसको बनाओ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा और तुम दूसरों से भी इकट्ठा करो, जितना पैसा तुम जमा करोगे उतना मैं दूंगा, अगर तुम लाख शिलिंग जमा करोगे मैं लाख शिलिंग दूंगा। बहुत खुश हुए वो लोग, सरकार चले गए, उन्होंने प्लान बनाया, जंजबार के सुल्तान के पास गए, लाख शिलिंग उसने दिया और 50,000 शिलिंग इन्होंने और जमा किया। अपने पास आके इन्होंने माँ बाप के उस बात के ऊपर सारी चीज रखी और माँ बाप ने हुक्म भेजा 1.5 लाख शिलिंग इनको दे दो, 1.5 लाख शिलिंग दे दिया गया। मस्जिद बननी शुरू हुई, छत पड़ गई, लेकिन ऊपर गुंबद और मीनारे वगैरह प्लस्तर अभी भी बाकी था, असल प्लान से थोड़ा ज्यादा चले गए और कुछ गलतियां भी हो गई, पैसा पूरा ना हुआ। जंजबार के सुल्तान के पास गए, उसने साफ इनकार कर दिया, बड़े बड़ों के पास गए, 10-20,000 शिलिंग जमा हुए लेकिन पता ना लगा, वो भी खर्च हो गया और वो 10-20,000 भी हमारे पास लेके आए तो हमने 10-20 और उनको दे दिए, यानी तकरीबन 50,000 और लग गए, 3.5 लाख शिलिंग लगे, फिर भी मस्जिद पूरी ना हुई। 3-4 साल के बाद सरकार वापस आए और मस्जिद के अंदर जाके नमाज पढ़ी, हालचाल देखा मौला ने, तो उनका जो बड़ा आदमी था शेख ने कहा कि सरकार ये बात है, न सुल्तान पैसा देता है न पैसे वाले पैसा देते हैं, कोई फिक्र मत करो, जो कुछ होगा मैं तुमको बनवा दूंगा। 1.5 लाख के 1.5 लाख और खर्च करके हजर इमाम ने उस मस्जिद को पूरा किया। ऐसे तो दुनिया में बहुत है, एक नहीं दो नहीं, ईस्ट अफ्रीका में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी जो मौला ने बनाई उसके अंदर 45 मस्जिदें बनाई, 45, और तकरीबन 150 स्कूल बनाए अफ्रीकन मुसलमानों के लिए। इस्माइलियों की चीजें और अलग हैं, मैं उन गैरों की सी बात करता हूं कि जो इसको अपना इमाम नहीं मानते मगर इसके पास आते हैं और एक शरीफ समझ के, शरीफ यानी रसूलुल्लाह की आल में से, अरबी में उसको शरीफ कहते हैं, सैयद समझ के उसके पास जाते हैं, कभी वापस नहीं आते, मजहबी काम के लिए, मजहब के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, तालीम के लिए हमारे इमामों ने हमेशा ऐसी बेहिसाब खतीर रकमें और सखावतें की। इन तमाम सखावतों में हमारा भी हिस्सा है, हम जो कुछ भी यहां देते हैं ये चीजों में हमारा हिस्सा जो इमाम खर्चते हैं है। आपको दुनिया में कौन सा पीर फकीर ऐसा मिलेगा। मैंने कल आपको एक बात कही थी किसी जगह, चागला मुखी, नाम भी चागला है, चागला कहते हैं लाडले को, जब बीमार होके गए उधर पेरिस के अंदर तो मौला हर रोज उसको देखने जाया करते थे और उसके लिए फूल ले जाया करते थे। इतना बड़ा आगा खान एक मामूली आदमी को मिलने के लिए आता है। एक दफा हम 2-3 आदमी सरकार के पास बैठे थे, ये हाजिर इमाम के पास, और बाहर इटालियन एम्बेसेडर आया, अंदर सेक्रेटरी ने आके साहब को कार्ड दिया, साहब ने कार्ड लेकर रख दिया, सेक्रेटरी बिचारी दोबारा आई, सब मैं उसको कह दो कि आई एम बिजी, आई हैव गॉट मोर इम्पोर्टेंट पीपल देन द एम्बेसेडर, हम तो मामूली शख्स हैं, ये
इटालियन गवर्नमेंट का एम्बेसडर आया, कहता उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और जरूरी आदमी मेरे पास बैठे हुए हैं। इमाम जमान की शान और शौकत जो है, जो समझने वाले जानने वाले जानते हैं, जिन्हें इन चीजों का खबर नहीं पता नहीं, उनके दिलों में तरह तरह के ख्याल पैदा होते हैं। लेकिन सारी दुनिया के ये जो 6 बड़े लोग हैं, इतनी आज मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि 2 घंटे और निकल जाएंगे और मैं ऐसी हालत में नहीं, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, क्योंकि मेरी रात को आज 3 बजे बाकी है गार्डन के अंदर। वगरना मैं आपको एक एक का हाल कहता, जो आप पढ़ सकते हो बाजारों में, उनकी किताबें मिलती हैं, तोप का हाल पढ़ लो, दलाई लामा की स्टोरी पढ़ लो, सैयदना ताहिर सैफुद्दीन की बात पढ़ लो, या इनके काजियानों के खलीफे की बात पढ़ लो, और जापान के राजा की बातें पढ़ लो, इन सब के सामने हमारे इमाम को रख के देख लो कैसा लगता है। इस जैसा कोई नहीं, सचमुच कोई नहीं, नूरुन अला नूर है, नूरुन अला नूर, और हमारी हर मुश्किल के लिए खड़ा रहता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। थोड़े दिन पहले ये जो सार्डिनिया वाले कमेटी बना के गए थे सार्डिनिया साहब को मिलने के लिए, उनमें से एक आदमी वहां की बातें कर रहा था, मुझे कहता मिशनरी साहब हाजिर इमाम ने हमें खाने पे बुलाया, बेगम साहबा और हाजिर इमाम दरवाजे के ऊपर खड़े हैं हमको रिसीव करने के लिए, हम सब इस्माइली हैं, उसके मुरीद हैं, उसके गुलाम हैं, लेकिन दुनियावी नजर से भी उसकी हलीमी और नरमी देखो, उसके वहम देखो, के दोनों दरवाजे पे खड़े एक एक को कहते हैं आओ बैठो, और फिर खुद पूछते हैं कि जूस पियोगे, सोडा पियोगे, क्या पियोगे। मैंने अपनी आंखों से मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह को देखा, डायमंड जुबली के मौका पे हाजिर इमाम ने वालकेश्वर के बंगले के पीछे, वहाँ एक पार्टी थी, बड़े बड़े राजे महाराजे बहुत बड़े बड़े लोग थे, साहब खुद ट्रे उठा के लोगों को जाके कहते थे लो, और चमचे भर भर के अपनी मुसलमानी ट्रेडिशन, जो अली नबी की ट्रेडिशन है, उसके तहत चमचे भर भर के उनकी प्लेटों में कहते थे खाओ, प्लीज खाओ। ये अखलाक है, ये अखलाक है, उसकी उसमें कोई बड़ाई नहीं, फखर नहीं, कोई चीज की मगरूरी नहीं, सीधे साधे हिसाब से चले जाता है। मैंने ये भी देखा है अपनी आंखों से, आप कभी ऐसा कभी मौका लगे आपको जाओ मौला को देखो, बूट ऐसा करके जब पांव रखा तो बूट के नीचे होल हो गया था, मैंने ऐसा करके देखा, सब हंसने लगे, बोला कुछ नहीं, ऐसे आंख का इशारा किया चलता है, बूट में होल हो गए, उसको बूट नहीं मिलते, जो चाहे तो खरीद सकता है, दुनियावी नजर से तो उसकी जरबुल मिसल बनी हुई है। यूरोप अमेरिका के अंदर क्लबों में, होटलों में, इतना फिल्म के अंदर भी, एक फिल्म में भी ये एक चीज आई हुई है, यार दोस्त बैठे हैं और कुछ पैसे की निकली बात, तो कहते आम नोट आगा खान, यानी मैं इतना पैसे वाला नहीं हूं जितना आगा खान है, जरबुल मिसल बन गया है, और लोग उसके लिए तरह तरह की बातें करते हैं कि इतना पैसे वाला होगा, इतना पैसा। उसने कभी नहीं कहा कि मैं इतना पैसे वाला हूं, उसने कहा मैं दरवेश हूं, और हमेशा दरवेशी हालत में रहता है। दरवेशाना उसके कपड़े देखो तो आप हैरान हो जाओगे, हट जाते हैं तो भी पहनता है, तो भी पहनता है। हाजिर इमाम की जब कोरोनेशन थी दार सलाम में, उसमें सारा घराना अली से ऐसा है, शायद इसके ऊपर भी ऐसा होगा, कोरोनेशन के ऊपर माता सलामत भी आए थे, बेगम ताजुद्दौला भी आई थी, साहब की मां, प्रिंस अली खान भी थे, प्रिंस अमीन भी आए थे, प्रिंस सदर भी नहीं आ सके क्योंकि वहां उनको कोई यूनाइटेड नेशंस में काम था, मगर बाद में आए। तो एक रात को हमारी जमात ने प्रोसेशन निकाला था, बहुत बड़ी बड़ी वेराइटीज थी, ये प्रोसेशन जब हमारी आगा खान क्लब में आया तो मौलाना हाजिर इमाम, मता सलामत, ये सारा नूरानी कुटुंब इस वेराइटीज की इंस्पेक्शन के लिए नीचे उतरे, हाजिर इमाम आगे थे फ्रंट में, सेकंड नंबर के ऊपर प्रिंस अली खान थे, और उनके पीछे ना हाजिर इमाम के पीछे मता सलामत थी,
حضرت سلامت کے پیچھے پرنس علی خان تھے اور ان کے پیچھے بیگم ساجد دولہ تھی. میں نے آنکھ سے دیکھا ہوا ہے. پرنس علی خان کا ادھر سے کوٹ پھٹا ہوا تھا آستین سے پیچھے. بیگم ساجد دولہ نے اس میں انگلی ڈالی اور ایسا کھینچا. تو پرنس صاحب چمکے کہ ایسا کون ہے کہ جو مجھ کو اس طرح سے کھینچ سکتا ہے. ایسا کر کے دیکھے تو ہنسے اور ڈی ابھی مار گیا. تو بیگم کہنے لگی یہ کیا ہے تیرے بیٹے کی کورونیشن, یہ کپڑے پہن کے آیا ہے. کہتا ہے کیا کروں, میری بیگ تھی گم ہو گئی. میں نے کہا اسی میں چلو. تم تیرے کو کوئی ملا نہیں جس کو ریپیئر کرنے کے لیے؟ کہتا کوئی نہیں تھا, ایسا پہن لیا. ان درویشوں کو ان باتوں سے کچھ نہیں. مولانا سلطان محمد شاہ ایک دن آئے واڑی کے اندر تو سرکار کی جو پاٹلون ہے اس کے نیچے سے دھاگے نکلے ہوئے تھے, گھس گئی تھی. ہم پہنتے ہیں ایسی پاٹلون, لیکن وہ درویشی ہے جو اماموں نے اور نبیوں نے دنیا کو سکھائی. ہمیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارا ایسا امام جو پریم مورتی ہے ہمارے لیے, ہمارا قبلہ اور کعبہ ہے, ہماری محبت کا مرکز ہے, ہماری عبادت کے لیے وہ ہمارے لیے خدا تعالی کا گھر ہے جس کو بیت الحرام کہتے ہیں. وہ بیت اللہ ہے. حضر امام خود بیت اللہ ہے. اس امام زمان کے پاؤں میں جو مسرت شادمانی سکون و اطمینان ہم محسوس کرتے ہیں, دنیا کیا جانے ان چیزوں کو, تمہیں پتا نہیں. لیکن آہستہ آہستہ دنیا کے اوپر یہ راز کھل رہا ہے. اسکولوں کے اندر بچے سنی بھی ہیں, شیعہ ہیں, عیسائی بھی ہیں, اسماعیلی بھی ہیں, بوہرے بھی ہیں, پھر بھی گئے ایک مہینے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی میری ملاقات ہوئی ہے. تو ان بچوں کی گفتگو سے مجھے پتا لگا, میں خوش ہوتا ہوں یہ بچے مجھے کوئی سوال کرتے ہیں, بہت خوش ہوتا ہوں کیونکہ ان کو سکھانے کا مجھے ایک موقع ملتا ہے. میں اس کو بھی عبادت سمجھتا ہوں. غیر اسماعیلیوں کو اسماعیلی بچوں کے ساتھ اسماعیلی مذہب کی گفتگو کرنے کی بڑی دلچسپی ہے. کیوں بہت سے نہیں پوچھتے؟ سنی ہے وہ شیعہ کو نہیں پوچھتے, لیکن سنی شیعہ دوہرے سب کوئی اسماعیلی بچوں کو پوچھتے ہیں. تم آغا خان کو کیا مانتے ہو؟ ہم جو تمہارے جماعت خانے میں نہیں آ سکتے, تم لوگ کیا کرتے ہو؟ اسماعیلی ان کی نظروں کے اندر سرمے کی طرح لگے ہوئے ہیں, سرمے کی طرح. ساری دنیا میں آج یہی حال ہے. آپ کہیں بھی جاؤ, کسی دکان پہ, ہوٹل میں, کسی یونیورسٹی میں, کسی کالج میں, بات چیت کے دوران میں آپ کسی کو کہو کہ میں اسماعیلی ہوں تو اس کی نظریں بدل جائیں گی, سلوک بدل جائے گا, چہرہ بدل جائے گا, باتیں پوچھے گا اور کبھی نہ کبھی ضرور پوچھے گا کہ بھلا اسماعیلی کیا کرتے ہیں. آج دنیا کو اس بات کا شوق ہے کہ اسماعیلی اور اسماعیلی مذہب کے متعلق اور آغا خان کے متعلق جاننا چاہتے ہیں. ایسا انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا, پھر کہتے ہیں ضرور آئے گا, دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے گا اور سب لوگ اس حاضر امام کو اپنا راہبر قبول کریں گے. ساری دنیا میں یہ بات آئے گی, ضرور آئے گی. دنیا نو اندھارو دور تھس سلامتی دے دے, حقیقتی سمجھ دے دے, جو جہان میں خیر و برکت دے دے, اپنی پناہ میں رکھے. مولا اپنا فرمان بردار مومن بنائے, بدیوں برائیوں گناہوں سے بچائے, آپ سے بلائیں دور کرے, دشمن آپ سے دفاع کرے, کنبے قبیلوں میں جماعتوں میں اتفاق محبت دے دے,
رسم سگریت میں پورا رکھے، عبادت کی نیک توفیق دے دے، دنیا بھر کے اسماعیلیوں کی جان مال میں برکت دے۔